खरगोन जिले के भिकनगांव में खरगोन जिला कलेक्टर गोपाल चरण डांड के निर्देश पर राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, पुलिस विभाग और नगर परिषद के अमले ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नगर की होटलों और ठेलों पर खुले में बिकने वाली सामग्री समोसे, कचौरी, जलेबी और खराब फल फ्रूट आदि पर संयुक्त कार्रवाई के दौरान नगर में हड़कंप का माहौल बन गया। दुकानों, ठेलों, होटलों में खुले में रखी सामग्री और खराब फल फ्रूट को नगर परिषद के माध्यम से नष्ट करवाया गया। पूरी कार्यवाही में भिकनगांव तहसील के अनुविभागीय दंडाधिकारी शिव प्रसाद मंडहार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी माया मंडलोई सहित नगर परिषद एवं पुलिस विभाग का अमला उपस्थित रहा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कलेक्टर साहब के निर्देशन में एक्चुअली कार्रवाई हो रही है पूरे जिले भर में, और इसी तत्वाधान में मैं खाद्य अधिकारी यहाँ पर भिकनगांव में आया। यहाँ पर SDM साहब, पुलिस विभाग SDO के साथ और नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई यहाँ पर की गई, और कई जगह से नगर पालिका के माध्यम से सड़े गले फल फ्रूट थे, खुले में जो सामग्री बिक रही थी उसको नष्ट करवाया गया। और हमने एक सैंपल लिए हैं, उसमें बोरगांव नमकीन है, वहाँ से हमने मावा मिठाई और रसगुल्ला के सैंपल लिए हैं। कुछ एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक पाई गई थी, उसको नगर पालिका के माध्यम से डिस्ट्रॉय करवाया गया है। इसी प्रकार से हमने मानवदा कोल्ड ड्रिंक है जगह, वहाँ से हमने दही का सैंपल लिया है, वहाँ भी कुछ हमें ब्रेड मिली थी अमानक स्तर की, जो कि एक्सपायर डेट्स पर नहीं लिखी थी, उसको भी नगर पालिका की तरफ से नष्ट करवाया गया। सर, अगला स्टेप क्या होगा खाद्य विभाग का? ये सारे नमूने जो हैं हमारे को राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे, और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी जो आज दिन में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो कुछ की दुकानों पर हुई है, अन्य दुकानें भी हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होने? ये सतत कार्रवाई है, सतत चलती रहेगी। आज हमने कार्रवाई की है और आगामी दिनों में हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिला मुख्यालय पर